बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए. लॉट ऑफ फैंस लविंग यू सो मच. आपके कैरेक्टर को मिल रहा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? मैंने जितना उम्मीद नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है. मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट हम एज एन एक्टर्स यू नो जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं वो लोग उसे उतना ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है यू नो इट्स ऑल वर्थ इट. जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सक्सेस उसके बेसिस पे एटलीस्ट मिल रही है कि लोगों को पसंद आ रहा है हमारा काम. और डेफिनेटली मैं एज ए कैरेक्टर और एंड एज एन एक्टर बहुत ग्रो होना चाहती हूँ इस सेम शो में, ताकि लोग मुझे इससे भी ज़्यादा प्यार देते रहें, बिकॉज इंसान की लालच कभी ख़त्म नहीं होती. जब आपको ये शो मिला था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि शो का जो है अलग ही मतलब है, एक न्यू स्टोरी लेकर आना, पुराने सास बहू जैसा नहीं है शो, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही डिफरेंट शो है और मैंने इतना पॉजिटिव कैरेक्टर अपने एंटायर करियर में कभी प्ले नहीं किया, तो यही मेरा फर्स्ट थॉट था जब मुझे अप्रोच किया गया इस किरदार के लिए. सो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू टेक दिस रोल. और जब मैंने स्टार्ट किया और इसकी जर्नी जहाँ से अभी तक लोगों को देखने मिल रही है, लोगों को तो मज़ा आ ही रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज मैंने भी ऐसी बहू नहीं देखी अब तक का. लाइक 6 to 7 months हमने जितना शूट किया वो एज अ बेटी मैं अभी तक निभा रही थी और एज गर्लफ्रेंड निभा रही थी, फियांसी निभा रही थी, बट अब जब बहू बन गई है तो सास और बहू का एक जो परसेप्शन है शो में दिखाया है, हमेशा एक क्लिशे रहा है कि सास बहू मतलब तिगड़म, काम तो बिगड़ना ही है, कभी नहीं सुधरेगा, बट ये शो उन चीज़ों को गलत प्रूव करता है कि सास बहू भी एक माँ बेटी की तरह रह सकते हैं, और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तरह कि उस माँ को जो जिन्होंने इतने टाइम से इतना कुछ सहन किया है, वो दिप्ति जो कि चौल से बिलोंग भी नहीं करती इतनी रिच बैकग्राउंड से, फिर भी वो उस माँ के दर्द को समझती है और वो उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करती है. इवन इन रियल लाइफ आई एम नॉट मैरिड, बट डेफिनेटली मैं जब शादी मेरी होगी तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे भी इतनी प्यारी सास मिले और मैं भी यू नो इन रियल लाइफ ऐसी बहू बनना चाहूँगी. सास की अगर हम बात करें तो किस तरह का उनके साथ आपका बॉन्डिंग है बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द मस्ती कितनी होती है? मतलब मैम भी हम देखते कि जैसे कि अभी डायलॉग्स नहीं आ रहे थे, थोड़े डीमोटिव हो गई थी, तो क्या कहना चाहोगे उसको? पूरी तरह से राशि को पूरी तरह समझाया कि हाँ इस तरह से कर, इतना कर, क्या कहना? पुष्पा एंड मी लाइक बिहाइंड द स्क्रीन आप पूछना चाहोगे तो हमारी केमिस्ट्री, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन द शो. और हम दोनों की थिंकिंग मैच करती है, हम बहुत मजे करते हैं. मुझे बिल्कुल सास बहू तो डेफिनेटली रियल लाइफ में है नहीं, तो बहुत फ्रेंड जोन वाली वाइब है. यहाँ से शूट के बाद शी कॉल्स भी आप या मैं उन्हें कॉल करूँगी, छुट्टी होगी तब मैं उन्हें कॉल करूँगी, तो बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. हम पाँचों के इनफैक्ट जो राशि, चिराग, अश्विन, पुष्पा, हम बहुत अच्छे से यू नो एक ऑफ स्क्रीन ऐसी बॉन्डिंग बन गई, तभी जाके आपके सीन भी बहुत निखर के आते हैं. तो कंफर्टेबल एज एन एक्टर आपको होना ज़रूरी है. और आई थिंक पुष्पा और मैं जब सीन्स करते हैं तो कभी कभी बीच बीच में मस्ती कर देगी, इतने सीरियस सीन्स, इतने इमोशनल सीन्स. राशि हमारे सेट पे थोड़ी मस्ती को रहे बिकॉज बच्ची है, तो जानबूझ के मस्ती करेगी, या कभी हम यू नो गलतियाँ कर रहे हैं तो डेफिनेटली पुष्पा समझाएगी, मैं समझाऊंगी, तो हम एक दूसरे को उस वे में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट डेफिनेटली हैपन्स. ओके, आखिर में आप अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ इसी तरीके से प्यार देते रहिए, एंड डेफिनेटली हमारी यही कोशिश है कि हम आपको इसी तरीके से और इससे ज़्यादा एंटरटेन करते रहे. सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए. थैंक यू.